हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं बॉय सुमित की एक अनदर वीडियो। खेसारी लाल यादव को मिला बेस्ट एक्टर बेस्ट सिंगर का अवार्ड बॉय सुमित। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई लोग, कोलकाता के नेताजी इंदौर स्टेडियम में खेसारी लाल यादव के काल बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिलल बा। आ इतने ना बेस्ट सिंगर के भी अवार्ड मिलल बा। ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड, ये मेरा नहीं बल्कि आप सबका प्यार है कि आप लोगों ने मुझे बेस्ट बनाया है। गलत बा। हम मानते नहीं कि खेसारी लाल यादव के भोजपुरी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिल सकता, मगर बेस्ट सिंगर के ना कहीं ये अवार्ड खरीदा नहीं गईल। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ना देखा लोग, भोजपुरी के अवार्ड शो होता, वो अवार्ड शो में बहुत कलाकार आई रहन, बहुत कलाकार नहीं आई रहन, जैसे की पवन सिंह, रितेश पांडे, निकमल सिंह और भी कलाकार नहीं आए थे, मगर जो आए थे उन्हीं को अवार्ड देकर सम्मानित कर दिया गया। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। चलो भाई लोग, हम छोड़ देते नहीं, कहे से कि लोग बड़का बड़का आदमी वालों, अगर जो हम कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो मैटर बिगड़ जाई, मगर हमरा के इतना जरूर बता दलो कि खेसारी लाल यादव के बेस्ट सिंगर के अवार्ड कैसे मिलल हो। अरे यार, खेसारी लाल यादव से तो अच्छा नीलकमल सिंह आयलन और नीलकमल सिंह के गाना चलबो करेला। खेसारी लाल यादव से तो अच्छा कहियो पवन सिंह आयलन, तो पवन सिंह के बेस्ट सिंगर के अवार्ड काहे ना मिलल कि खेसारी लाल यादव की मिल गई हो, कि अपन आदमी समझ के दे दल लोग बड़वा। कुछ भी। मगर बहुत बहुत बधाई हो खेसारी भैया कि आप जिसको देखकर डांस सीखे हो, गोविंदा जी, उसके साथ में आप कल डांस किए हो। क्या बात है। अब हम तुमसे बता दी कि खेसारी लाल यादव गोविंदा जी के आइडियल मानेलन, और कल खेसारी लाल यादव मिलल बन उनका से, तो उनका खातिर तो बहुत खुशी के दिन हो। कहे से कि आप जिसको देखकर सीखते हो और उससे आप मिल जाते हो तो मजा आ जाता है। मैं इनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं मेरे लिए गुलाब के फूल की तरफ है, मैं इनको छूना नहीं चाहता था ताकि ये बिखर न जाए। क्या बात बोले हो खेसारी भैया, मगर ये वीडियो यही पे खत्म होता, कैसे कि थोड़ा सा आज हम जल्दीबाजी में बने। सॉरी। अच्छा, मतलब काफ़ी अधूरी सी वीडियो छोड़ दी यहाँ पर बॉय सुमित भैया ने, लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी रही हो, इट्स ओके। सबसे पहले यार देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू खेसारी लाल यादव, उन्हें बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला, ठीक है। बट मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मैं बॉय सुमित की एक बात से अग्री करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ बेटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर है। लाइक हम लोग ने बॉलीवुड अवार्ड बहुत सारे देखे हैं, पहले वाले जो थे वो तो जेन्युइन थे, अभी तो सारे बिके हुए होते हैं, ठीक है, तो अभी वाले अवार्ड शोज़ पे तो बिल्कुल जाओ ही मत। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खेसारी लाल भैया की आवाज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, उनके फैंस देखो गाली देना चालू हो जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब से आप क्या बोलते हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हाँ यूट्यूब पे जो गाना ज़्यादा चल रहा है या ट्रेंडिंग पे है उसके हिसाब से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पर सिंगर का जो अवार्ड था, ठीक है, बेस्ट सिंगर का जो अवार्ड था वो ट्रेंडिंग सेक्शन को ना ध्यान में रख के बल्कि वॉइस को ध्यान में रखते हुए उसके बाद दिया जाना चाहिए था, है ना। एक पैनल बैठता है इन अवार्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए, एक पूरा पैनल बैठता है कि हाँ कुछ लोग होते हैं उनमें चुनिंदा, वो अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या पूरे साल का रिकॉर्ड रहा है और उसके हिसाब से अवार्ड वो देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अब जजेस ने जो फैसला लिया हो, जो उस पैनल ने फैसला लिया हो, उस हिसाब से खेसारी लाल भैया को इस बार का अवार्ड मिला है, तो बहुत ही खुशी की बात है, मुबारक हो खेसारी लाल यादव। थोड़ा सा यार ये लगता है कि हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया देखो, हर एक चीज़ किसी एक को डेडिकेट नहीं की जाती है ना, हर एक चीज़ जो है वो किसी एक को डेडिकेट नहीं की जाती है, वो योग्यता के आधार पर दिया जाता है। ओके, सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।